ओम नमः शिवाय। चैत्र मास पूर्णिमा तिथि शनिवार हस्तिनी नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव हैं, कन्या राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। आज के जन्मे जातक दानी, उदार, यशस्वी, कुशल कार्यकर्ता और व्यापारी होते हैं। वेद व धर्म शास्त्रों के जानने वाले और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वाभिमानी, विलक्षण बुद्धि वाले मगर अत्यधिक भावुक भी होते हैं। ऐसे जातकों को जल्दी कोई अरिष्ट नहीं होता है। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज बहुत विशेष दिन है, हनुमान जयंती है। मंदिर में जाकर या घर पे जैसे भी संभव हो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। तुलसी का माला हनुमान जी को चढ़ाएं, चरणों में सिंदूर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मेष राशि वाले जातकों के मन में कई तरह के विचार चलते रहेंगे। मन को किसी एक विषय पर एकाग्र करने में दिक्कत होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में कमी महसूस करेंगे। माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता बनी रहेगी। हालांकि पूर्णिमा है मगर चंद्रमा आपकी राशि से छठ में बैठे हैं। भाग्य की गति धीमी होने से काम रुक रुक कर होंगे। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए मानसिक स्थिरता आवश्यक होगी। वृष राशि वाले जातकों के बौद्धिक क्षमता में विकास बना रहेगा। बुद्धि चातुर्य से अपने व्यावसायिक गतिविधियों में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। अधूरे और रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। संतान संबंधी अनुकूलता और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। पारिवारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। मिथुन राशि वाले जातकों को पूर्णिमा का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए भागीदारी लाभदायक सिद्ध होगी मगर मन में किसी काम के लिए शंका भी पैदा हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हासिल होगी। बच्चों से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। निजी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के काम की अधिकता के साथ ऊर्जा स्तर भी बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम को बहुत ही अच्छे और सुसज्जित ढंग से निपटाते जाएंगे। सुख और भाग्य का मिला जुला फल मिलता जाएगा। आर्थिक लाभ बना रहेगा। रुकी हुई या नई कार्य योजनाएं चालू होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष से चिंता संभावित है। निवेश की नई योजनाएं सामने आएंगी मगर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानी बनाए रखें और पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र का प्रबंधन उचित ढंग से होता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपकी सक्रिय सोच जारी रहेगी। मित्रों से सहयोग व आर्थिक लाभ बना रहेगा। बच्चों और पारिवारिक मामले में सुख और संतुष्टि मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है। नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें और अपनी आंतरिक ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करते जाएं। कन्या राशि वाले जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे। भावना प्रधान मानसिकता बनी रहेगी मगर व्यावसायिक योजनाओं में साझेदारी सफलता दिलाएगी। मित्रों और सहयोगियों से भी लाभ संभावित है। बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। पेट व हृदय से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। तुला राशि वाले जातकों को शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा।
स्वास्थ्य संबंधी मामलों में ध्यान देना होगा। पीठ में दर्द और पेट संबंधी विकार संभावित है। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा, मगर व्यय भी संभावित है। व्यावसायिक योजनाओं में विवाद या रुकावट को टालना होगा। संतान व शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक माहौल चिंताग्रस्त महसूस होगा। छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप में स्वास्थ्य और ऊर्जावान महसूस करेंगे। पूर्णिमा का असर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आपके रहन सहन, खान पान और जीवन स्तर में सुधार और घर परिवार के माहौल पर ध्यान आकर्षित होगा, मगर पूंजी की आवश्यकता महसूस होगी। व्यावसायिक योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। बच्चों के मामलों में व्यय की स्थिति अभी बनी रहेगी। धनु राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। आपकी राशि पर शनि और मंगल दोनों करीब होते जा रहे हैं। सावधानी अपेक्षित है। व्यावसायिक योजनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धि कौशल और मेहनत के बल पर सुलझाने में सफल रहेंगे। दिमागी रूप से व्यग्रता बनी रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहौल को अपने अनुसार करते जाएंगे। अपने सहयोगियों से वाद विवाद संभावित है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है। संतान पक्ष पर खर्च की स्थिति संभावित है। मकर राशि वाले जातकों के ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका मन धर्म क्षेत्र के प्रति ज़्यादा केंद्रित रहेगा। धार्मिक भावना बलवती होगी। कार्य योजनाओं की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई योजनाओं में निवेश का योग बना हुआ है और उचित दिशा में निर्देश मिलता रहेगा। वाहन और सुख सुविधाओं से संबंधित वस्तुओं में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। अनावश्यक किसी से उलझना उचित नहीं होगा और देव दर्शन के योग बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। नई कार्य योजनाएं लाभदायी होंगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट हो सकती है। व्यावसायिक विवाद और उलझने संभावित हैं। दसवें घर पर राहु की दृष्टि का पड़ना विवादों को पैदा करने का काम करता है। साथ ही चंद्रमा का आठवें होना आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य को संवेदनशील बनाता है। वाहन धीमे चलाएं और सावधानी बनाए रखें। यात्रा संभावित है। मीन राशि वाले जातकों के लिए पूर्णिमा का असर लाभदायक सिद्ध होगा, मगर कार्य योजनाओं में चल रही मंदी को सुधारने की आवश्यकता है। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग बना हुआ है। सार्थक पहल करने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। आँखों की एलर्जी व पेट संबंधित समस्याएँ संभावित हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास करना पड़ेगा और बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता बनी रहेगी। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।